मेरे प्यारे रुड़की वासियों, मैं आपका संदीप तोमर। दोस्तों, जैसा कि रुड़की हब पर हम अलग अलग चीज़ें, अलग अलग समस्याएं, अलग अलग मामले या खाना खजाना, बहुत सी चीज़ें आपके सामने पेश करते हैं। आज एक नया सब्जेक्ट लेकर मैं आया हूँ, नया विषय उठा रहा हूँ रुड़की शहर की बाबत, रुड़की शहर के आसपास का जो क्षेत्र है उसकी बाबत। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कहने को समस्या छोटी है लेकिन हादसा बड़ा हो सकता है। आप भी मेरी बात पर गौर करिए कि कहने को समस्या छोटी दिखाई पड़ती है लेकिन हादसा और हादसे हो भी रहे हैं, जो हादसे हो रहे हैं वो बड़े हो रहे हैं। ये फिलहाल जो मैं खड़ा हूँ, ये विद्युत विभाग का दफ्तर है, बोट क्लब पर अधीक्षण अभियंता यहाँ बैठते हैं। अधीक्षण अभियंता दफ्तर जो है, जो कार्यालय है, उसके सामने की ओर, गेट के सामने की ओर ये जगह है। जैसा मुझे बताया गया है कि ये जल संस्थान जो रुड़की का है उसकी कोई लाइन यहाँ से गुजर रही है और पिछले कई महीनों से ये स्लैब इस पर डाले गए और आप देख सकते हैं कि स्लैब किस तरह से ये खड़े यहाँ पड़े हुए हैं और बाहर ये सड़क से निकले हुए हैं। यहाँ क्षेत्र के कई लोगों ने मुझे जानकारी दी कि इधर से कई बालिकाएं, कई बच्चियां स्कूटी पर आती हैं, कई युवा भी आए और अचानक से एकदम से अंधेरे में, खास तौर पर शाम के टाइम ये दिखाई नहीं देते और इस पर वो टकरा कर यहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। एक कोई युवा हैं, उनका नाम भी मैं पता कर रहा हूँ, वो देहरादून है और गंभीर स्थिति में है। तो ये देखिए आप, इस तरह के मामले, ये कहने को लगता है कि बहुत छोटी बात है लेकिन ये बड़ी समस्या। कई कारें भी यहाँ इस तरह से बहुत तेज़ी में आई और एकदम से यूँ उछल जाती हैं, घटनाएँ होती हैं। इसके बारे में जैसा हमें नगर निगम से बताया गया कि ये जल संस्थान का मसला है, नगर निगम से कहा गया कि हम ही ठीक करा देते, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है कि ये नगर निगम का मसला है या जल संस्थान का मसला है, ये यहाँ के पार्षद का मसला है, ये यहाँ कुछ ही दूरी पर रहने वाले रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा का मसला है, नहर के उधर रहने वाले मेयर गौरव गोयल का मसला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये मसला हादसे का मसला है, चूँकि जब हादसा देख कर होगा तो वो ये नहीं जानता हादसा कि ये जो जगह है वो किसके अंतर्गत आ रही है। ये जब हमें दिखाई दे रही है तो शहर के जनप्रतिनिधियों को या जिसका भी विभाग है उसे क्यों नहीं दिखाई देती। इस जो मेरा ये वीडियो है, इसके अंतर्गत मेरा आपसे निवेदन है, मैं और भी ऐसे प्रयास करूंगा, एक दो मामले जो मेरी जानकारी में आएंगे आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि कहने को छोटा है पर बहुत बड़ा मामला हो सकता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, स्क्रीन पर आप नीचे हमारे नंबर जो हैं, व्हाट्सएप नंबर है, कॉल भी आप इन पर कर सकते हैं, इन पर हमें इस तरह के मामलों की जानकारी दें कि कहने को छोटा है लेकिन बहुत बड़ा हादसे का, दुर्घटना का कारण बन सकता है। वीडियो के अगले हिस्से में दो जगह और ऐसी मैं दिखाऊंगा जिनसे शहर के लोग परेशान हैं और कहीं ना कहीं हादसे भी वहाँ हो रहे हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ खड़ा हूँ जादूगर रोड का जो ये ढलान है, नहर की ये पटरी है, गंग नहर की, जिस तरफ प्रदीप बत्रा जी का कार्यालय पड़ता है, विधायक जी का, उस जगह पर खड़ा हूँ और ये गैस पाइपलाइन का काम यहाँ चल रहा है। ये जो संस्था जो भी इस काम को कर रही है उसकी लापरवाही सिर्फ यही नहीं, पीछे जहाँ गंग नहर का पुल है वहाँ पर दो जगह इन लोगों ने पहले गड्ढे किए और उन गड्ढों का हालत क्या है वो आप अलग से हमारे जो स्क्रीन शॉट चलेंगे उसमें देख सकते हैं। एक जगह तो एक व्यक्ति पूरा बाइक समेत उस गड्ढे में जा समाया था और दूसरी जगह भी इन्होंने जो गड्ढा है वो पूरी तरह से नहीं भरा, काम करा और आगे बढ़ गए। अब यहाँ यह पिछले लगभग एक माह से इस तरह से ये पाइप जो है इस तरह से रखा हुआ है और पूरा रास्ता आप देख सकते हैं, कुछ लोग अचानक से इधर से आ जाते हैं, इधर से बाइक आती है और टकराने का कारण बनता है। ये काम बिल्कुल पूरी तरह घनघोर लापरवाही में कहूँगा इस काम में बरती जा रही है और जनता की समस्या का कारण ये पाइप बना है। चलिए, क्योंकि काम होना है, लोगों के लिए होना है, काम कर भी लीजिए लेकिन काम करने के बाद कम से कम ऐसा तो छोड़ दीजिए कि लोग वहाँ से गुजर सकें। पिछले दोनों जगह जहाँ इन लोगों ने काम किया वहाँ पर गड्ढे, कितने दिनों तक एक गड्ढा तो पूरे कई महीनों तक कायम रहा, अगस्त में पूरे कायम रहा, जुलाई में कायम रहा और वो आज भी उसमें कहीं ना कहीं एक जगह खाली पड़ी हुई है। ऐसा ही दूसरे गड्ढे में भी है, लोग उसमें गिरते हैं, मोटरसाइकिलें गिर जाते हैं जिन्हें नहीं पता और ये स्थिति आपके सामने है। ये कहने को छोटा नहीं, वास्तव में बहुत बड़ा ही है, मैं इसे छोटा नहीं मानता, लेकिन इस तरह की जो भी समस्याएं जैसे मैंने आपको बताया, कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइए, हमारी टीम को बताइए, नीचे स्क्रीन पर आप नंबर देख सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल भी कीजिए। अब चलते हैं तीसरी जगह जहां स्लेब, जिस तरह से अभी वीडियो के पहले हिस्से में आपने देखा, एक जगह और ऐसी है जहाँ स्लेब के कारण लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो रही है। छोटा लेकिन बहुत बड़ा समस्या का कारण देखिए, मैं यहाँ खड़ा हूँ पश्चिम अंबर तालाब आवास विकास जो ये रोड जाती है और हनुमान मंदिर पीछे कुछ ही दूरी पर यहाँ मुख्य रोड पर है। ये समस्या देखिए आप, मेरे साथी नितिन जी गौर से दिखाएं, ये नगर निगम की ही लापरवाही कही जाएगी, नगर निगम प्रशासन की लापरवाही कही जाएगी। बोट क्लब पर जैसे मैंने आपको दिखाया कि वहाँ कहीं ना कहीं
नगर निगम से जो मेयर गौरव गोयल जी के निजी सचिव हैं आलोक सैनी जी, उन्होंने बताया कि वो जो स्लेब वहाँ गलत ढंग से रखे गए हैं और बड़ी दुर्घटना का कारण बन रहे हैं, उनके लिए जल संस्थान जिम्मेदार हैं। लेकिन जैसे मैंने वहाँ कहा कि ये जिम्मेदारी की आप बात छोड़ दीजिए, हादसा जब होता है तो वो ये देख कर नहीं होता कि उसके लिए जिम्मेदार कौन सा विभाग होगा, कौन नेता होगा या कौन नहीं होगा। सवाल ये है कि इस रोड को देखिए आप, ये स्लैब यहाँ, इसमें उत्तराखंड पुलिस का बोर्ड जरूर पड़ा है और रात्रि के समय यहाँ से जब लोग निकलते हैं, कई बार अंधेरे के कारण कई वाहन, दुपहिया वाहन इसमें गिरकर जो उनके चालक हैं वो चोटिल हो चुके हैं। तो दोस्तों, एक जीभ के बारे में कहावत कही जाती है कि देखन में छोटी लगे घाव करे गंभीर, ऐसे ही मेरी अपनी जुबान से जन समस्याएँ रुड़की शहर की जो है कहने को छोटी लगती है लेकिन बड़े जख्म लोगों को दे रही है और गंभीरता के साथ जो हमारा प्रशासन है, जो हमारे संबंधित विभाग हैं, नगर निगम हो, चाहे विधायक हो, चाहे पार्षद हो, चाहे कोई सा भी विभाग हो, वो इस पर ध्यान दे सकें। इस मंशा के साथ ये कार्यक्रम मैंने शुरू किया है जिसका मैं आज नाम दे रहा हूँ सच को सच कहूँगा और बिल्कुल सच्चाई के साथ इस तरह की समस्याओं को आपके सामने उठाता रहूँगा। तो फिर एक बार आपसे निवेदन कि कमेंट बॉक्स में या फ़ोन करके, व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर नीचे चल रहे हैं, आप हमें ज़रूर जानकारी दें कि इस तरह के जहां आपको कहने को देखने को और कहने को मामला छोटा लगता है लेकिन बहुत कहीं ना कहीं बड़े कष्ट का कारण लोगों का बन रहा है इस तरह की समस्याएं। तो मैं संदीप तोमर आपसे विदा लेता हूं और मुझे इंतजार रहेगा आपके सुझावों का, आपकी जानकारियों का, जहाँ इस तरह की समस्या होगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।